हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDELED सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। आप सभी को पता है कि हम इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। हम सेकंड सेमेस्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसके पहले हमने पवन सीरीज से हिंदी के कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। हम मैथ के भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे बट एज हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जिसमें पहला जो प्रश्न है कि समासिक पद किसे कहते हैं, समासिक पद किसे कहते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। तो इसलिए समासिक पद का जो परिभाषा होता है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास चार प्रकार के होते हैं, अव्यय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीय समास। अगला जो प्रश्न है कि संज्ञा का अर्थ तथा भेद बताइए, तो वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का अर्थ तथा भेद बहुत महत्वपूर्ण है। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला जो आपका प्रश्न है कि सर्वनाम का अर्थ बताइए, सर्वनाम की क्या अर्थ होता है। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसे को इत्यादि, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। यानी नाम के जगह पर हम मैं, तुम, वह, वे का यूज भी कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि सर्वनाम के प्रकार हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के प्रकार है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि क्रिया का भेद लिखिए, क्रिया की क्या परिभाषा होती है। तो क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर, क्रम के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। आप सभी को पता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है। हमने जब क्रिया डिस्कस किया था तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था क्रिया क्या होता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के जो 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगला जो प्रश्न है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, तो रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार की होती है, प्रेरणा प्रदत्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए, तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण की परिभाषा तथा भेद, जिसमें संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है। और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। अगला आपका प्रश्न है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन शब्द का वह रूप है जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, ठीक है, और बहुवचन। बट हिंदी में मात्र 2 ही होता है, एक वचन और बहुवचन। अगला जो आपका प्रश्न है कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ लिखा भी है एक वचन व बहुवचन। संस्कृत में जो होता है वो 2 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, 3 होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि
लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग, लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष अथवा स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है लिंग हिंदी संस्कृत में कितने होते हैं, तीन होते हैं, बट हिंदी में दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि वाचन के प्रकार बताइए। तो प्रमुखता वाचन दो प्रकार का होता है, सश्वर वाचन और मौन वाचन, यानी लाउड और ओरल रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। अगला जो आपका प्रश्न है कि सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है, तो सस्वर वाचन दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन या पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़े। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है। तो आप याद कर सकते हो, सस्वर वाचन टू टाइप से किया जाता है। एक तो आप कह सकते हो पृथक पृथक, यानी अलग अलग पढ़ना, ठीक है, और सेकंड बहुत सारे या सामूहिक। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि मौन वाचन का अर्थ लिखिए। तो मौन वाचन का अर्थ स्वयं में अस्पष्ट, यानी मौन का अर्थ है बिना ध्वनि किए, अर्थात किसी पाठ को इस प्रकार पढ़ना कि किसी को आवाज़ या ध्वनि से ज्ञात ना होने पाए कि कहीं और भी पढ़ा जा रहा है। और यही क्या है, मौन वाचन है। और यह सस्वर वाचन से ठीक क्या होता है, उल्टा होता है। तो यह उच्चतर क्लास में लागू होता है मौन वाचन। अगला जो आपका प्रश्न है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, जिस तरीके से अक्षरों को मिलाकर वाक्य बनता है, उसी प्रकार से शब्दों को मिलाकर वाक्य सेंटेंस का निर्माण होता है। और वाक्य द्वारा जो एक व्यक्ति होता है वो अपने अभिव्यक्ति को किसी के सामने प्रकट करता है, यानी वो अपने वाक्यों के माध्यम से ही जो कुछ भी उसका भाव होता है, अभिव्यक्ति होता है, वो किसी दूसरे के सामने प्रकट होता है अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला जो प्रश्न है कि पद क्रम का क्या अर्थ है, पद क्रम का क्या अर्थ है। तो शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पद क्रम कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा है। वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी वो दोनों क्या है, दोनों जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जिस तरीके से आप सभी को पता है, जो स्वर एक व्यंजन, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर क्या है, स्वतंत्र होता है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, स्वर पे आश्रित है, तभी उसका व्यंजन का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार जो संयुक्त वाक्य होता है वो क्या होता है कि वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, स्वतंत्र रूप से, और परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि मिश्रित वाक्य का अर्थ लिखिए, मिश्रित वाक्य की क्या परिभाषा है। तो मिश्रित वाक्य, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हो तो वो मिश्र वाक्य कहते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो डॉक्टर ने कहा, यानी अब यहाँ ये सवाल आता है ना कि उसने क्या कहा, तो ये दोनों मिश्रित हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हो मिश्र वाक्य की जो परिभाषा या अर्थ होता है, वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हो तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि स्वर और व्यंजन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं। तो आदर्श वाचन की क्या परिभाषा होती है। शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय,
गति विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। यानी आदर्श वाचन के जैसे कि हमने सस्वर वाचन देखा, मौन वाचन देखा, अब यहाँ आ रहा है आदर्श वाचन किसे कहते हैं, तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति और विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए एक शिक्षक के द्वारा वाचन किया जाता है उसे हम, या किसी के द्वारा भी वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। क्लियर। अगला जो आपका प्रश्न है कि अनुरिक्त एवं निश्चिन्न शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुरिक्त का जो विलोम होता है वो होता है विरांति और निश्चिन्न का जो विलोम होता है वो होता है असीम। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और देख सकते हो ये 2015 के सभी 2016 के इस तरीके से पूछे हुए प्रश्न है। तो अनुरक्त का जो विलोम होता है वो होता है विरंत और निश्चिम का जो निस्सिम का जो विलोम होता है वो होता है अशिम। अगला जो प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह कब करते हैं, विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ है। आई थिंक आप सभी को याद भी होगा द्रुत का मतलब होता है शीघ्रता। ठीक है, द्रुत पाठ का जो अर्थ होता है शीघ्रता से पढ़ना। देखिए इसमें भी आपका सेकंड सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन आ गया, अंश और अंश शब्द का क्रमशः होगा। तो हमने देखा था एक जो अंश का अर्थ होता है वो होता है एक कंधा और दूसरे यानी जो पहला वाला जो अंश, ठीक है, जिसमें बड़ा वाला श, अंश का जो एक अर्थ होता है वो होता है भाग और एक अंश का जो जो होता है वो होता है कंधा। तो आप देख सकते हो बोलने में हमारा सेम एक ही जैसे उच्चारित होता है बट इनके जो अर्थ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर का अर्थ ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ड से मिलने की आवश्यकता ना हो उसे स्वर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्थान मुख, उत्थान का जो होता है वो होता है पतन, मुख का जो होता है वो होता है वाचाल। अगला जो प्रश्न है कि आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आ उपसर्ग से आजन्म, आगमन, आकाश। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। यानी कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। हाँ, जैसे कि आप सभी अभी हमने डिस्कस किया, हम, आप, मैं, तुम, वे, उन्होंने, उसने, ये सभी आ जाते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द प्रतिकूल और प्रतिछाया। ठीक है, प्रतिकूल और प्रतिछाया। तो आप देख सकते हो प्रति इसमें भी है और प्रति इसमें भी है, तो इससे हमारा क्या बना, प्रतिकूल और प्रतिछाया। ठीक है, क्योंकि कुल भी होता है, छाया भी होता है, लेकिन जब प्रति को हमने जोड़ दिया तो उसका अलग अर्थ आ गया, तो प्रतिकूल और प्रतिछाया। अगला जो आपका प्रश्न है कि कारक शब्द में कौन कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। तो कारक देख सकते हो जब हम बोल रहे हैं तो कह रहे कारक यानी अक, तो अक प्रत्यय लगा है। ईशा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है। तो ईशा ने पत्र पढ़ा यानी क्या है, भूतकाल, लंग लकार संस्कृत में इसको बोलते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण यानी विशेष और विशेष यानी बालक और उसका विशेष्य बता रहे क्या, तेज दौड़ना। तो इस तरीके से क्रिया विशेषण यानी विशेष विशेष्य हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची जो हो जाएगा कथन और आख्यान। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के दो उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम यानी कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द हैं। तो प्र क्योंकि एक ही सवाल, क्योंकि ये सभी सवाल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं इसीलिए रिपीट कर रहा है। अगला जो नेक्स्ट आपका सवाल है कि प्र उपसर्ग से बनने वाले प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रकार भी हो जाएगा। अगला जो आपका है प्रत्येक किसे कहते हैं।
तो प्रत्यय वे शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग के भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लौकिक में एक मित्रता में ता। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत यानी कृत प्रत्यय और तथित प्रत्यय। हमने डिस्कस किया था प्रत्यय उपसर्ग एक अलग सेपरेट वीडियो में। अगला जो आपका प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल जो होते हैं वो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अभी कौन सा काल चल रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, क्या भूतकाल चल रहा है या फिर भविष्य। अगला जो आपका प्रश्न है कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो अध्यापक द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकरण वाचन कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मौन वाचन के दो उद्देश्य लिखिए। मौन वाचन के उद्देश्य, मौन वाचन व्यक्ति दूसरों की किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। अवकाश के छड़ों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जब, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जब आप क्लासरूम में हो या फिर आपको कहीं फ्री टाइम में बैठे हो, तो जरूरी नहीं है कि आप तेज ही बोलेंगे तो आप पढ़ेंगे। आप उसका लाभ उठा सकते हैं, आप मन में पढ़ के उसके बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो। तो ये इसके क्या हो गए? दो एम्स हो गए, ठीक है, बेनिफिट भी कह सकते हो। तो इसलिए मौन वाचन का यूज़ किया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हो और व्यक्ति विशेष को संबंधित करता हो, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, ठीक है, यानी बोलने वाला, जैसे मैं, हम, मध्यम पुरुष जिसे बोला जाए, जैसे तू, तुम, आप, अन्य पुरुष जिसके विषय में बोला जाए, वह, वे, उसने। तो ये फ्रेंड्स हमने पूरा जितना भी अति लघुत्तरीय प्रश्न था पवन से ऋषि के, आपको इस चैनल के माध्यम से हमने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हम जो राजन सीरीज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे भी। बात करते हैं शांति के नोट्स से, तो हम शांति के नोट्स से भी जहाँ तक संभव हो सके हम जरूर आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आप सभी का प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके और आप सभी को कोई भी सीरीज या बुक खरीदने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अगर आप इससे, क्योंकि अब देखो पवन सीरीज का जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे हमने डिस्कस कर लिया, खत्म हो चुका, अब लघु उत्तरीय शेष बच गया और बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, फिर आप सभी को हम एक बार अच्छे से रिवीजन करवा देंगे और प्लेलिस्ट में आप सभी को प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप सभी को जब बाद में भूले तब भी आप एक बार बहुत ही अच्छे से बेस्ट रिवीजन कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर करने में कुछ लगता नहीं है, तो प्लीज़ गाइस शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं 10 बजे वाली फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस में, ठीक है। आप अपना बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और आप अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि आपने ये जरूर स्टेटमेंट सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये किसने बोला है और बहुत अच्छा बोला है, आप इसका आंसर भी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।